उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार तैयारी में जुटी हुई है। राजनीतिक पार्टियां जमीनी स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए लगातार दम भर रही हैं। वहीं बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी की जो महासचिव है प्रियंका गांधी, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर नए आयाम तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रही हैं। वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर रही हैं। हमारे साथ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव सुशील पासी जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति है। सुशील जी, कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति है 2022 के चुनाव को लेकर? उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रियंका गांधी जी राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी, उनके दिशा निर्देश पर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में पूरी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रत्येक विधानसभा में ब्लॉक स्तर से लेकर न्याय पंचायत स्तर की कमेटियों का गठन कर दिया है, और अब हम लोग युद्ध स्तर पर बूथ स्तर की कमेटियां बना रहे हैं। बूथ की कमेटी बनाने के बाद हम लोग चुनाव के मूड में हैं, क्योंकि जनता इस बार कांग्रेस को मौका देना चाहती है। कांग्रेस का संगठन निचले स्तर पर तैयार किया गया है और इस बार आशा भरी निगाहों से जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है, विशेष करके वो नौजवान जो 25-30 साल के हैं जिन्होंने कांग्रेस की सरकार नहीं देखी है। मैंने खुद नहीं देखी है, इसके पहले तमाम दलों की सरकारें देखी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार देखी, सपा की सरकार देखी, और इस समय हम लोग भारतीय जनता पार्टी का ये जो कुशासन है, जो भ्रष्टाचार और लूट का जो पर्याय बन चुका है, इसको जनता भुगत रही है। तो जिन लोगों ने कांग्रेस की सरकार नहीं देखी है वो ये देख रहे हैं कि एक मौका फिर से वो नौजवान उत्तर प्रदेश की कांग्रेस को देना चाहते हैं, क्योंकि उसे ये विश्वास है कि जो सरकारी फैक्ट्रियां आप देखते हैं ये सब कांग्रेस के जमाने में लगाई गई थी। आज नौजवान रोजगार के लिए परेशान है, और आज गरीब मजदूर, किसान मजदूर, हर आदमी परेशान है, हर जाति वर्ग के लोग परेशान हैं। इस सरकार ने लूटने के अलावा दूसरा काम नहीं किया है। यहां तक कि कांग्रेस ने 1952 में जमींदारी विनाश अधिनियम लागू करके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक कानून बनाया था कि जो लोग गरीब लोग हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, उनको आवासीय पट्टा और खेती करने का पट्टा दिया जाए। ये लगातार आगे चल इंदिरा गांधी जी के समान तक चला, लेकिन इस समय मुख्यमंत्री जो है राजस्व विभाग के, खुद विभाग के मंत्री, उसका डिपार्टमेंट उन्होंने खुद संभाल रखा है, लेकिन आज पूरे 5 साल में राजस्व विभाग ने एक भी गरीब आदमी को एक बीघे का पट्टा किसी गरीब आदमी को नहीं दिया है, ना तालाब का पट्टा दिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि कांग्रेस की तरफ हर जात धर्म के लोग देख रहे हैं, आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। हम पूरे विश्वास के साथ आपसे कह रहे हैं, जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है और कांग्रेस ने अपना कील काटा बिल्कुल ठीक कर लिया है। हम उत्तर प्रदेश में पूरे ताकत से लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में हम सरकार बनाने का काम करेंगे। ये हमारे साथ प्रदेश महासचिव सुशील पासी जी हैं, जिनका साफ कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से लड़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय उत्तर प्रदेश में जातिवाद को लेकर के राजनीति की जा रही है। जातिवाद को लेकर के समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवाद पार्टी इस समय ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। कांग्रेस कितना विश्वास रखती है इस जातिवाद की राजनीति पर, हम सुशील पासी जी से यह भी जानेंगे। सुशील जी, इस जातिवाद की राजनीति पर कांग्रेस की, देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म की राजनीति ने पूरे उत्तर प्रदेश का गर्क कर दिया है। आज हर जाति धर्म के लोग पीड़ित हैं। जाति धर्म की राजनीति करने वालों के समय जा चुका है। अब हर जाति बिरादरी का आदमी, का नौजवान जो पढ़ लिख कर आता है वो रोजगार चाहता है। वो जानता है कि कानपुर में जितनी फैक्ट्रियां खुली है कांग्रेस के जमाने में खुली है, आपके रायबरेली में जितनी फैक्ट्रियां खुली है कांग्रेस के जमाने में खुली है, आप इलाहाबाद चले जाओ तो जितनी सरकारी फैक्ट्रियां हैं, चाहे आईटीआई से लेकर के आप चाहे किसी भी मिल की तरफ चले जाओ, सब कांग्रेस ने किया। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो ये फंडा है ब्राह्मणों को रिझाने का, कांग्रेस पार्टी किस प्रकार ब्राह्मणों को रिझाने के लिए? देखिए कांग्रेस किसी जाति और धर्म को जो है रिझाने का काम नहीं करती है। ब्राह्मण जानता है कि जितना सम्मान कांग्रेस पार्टी में ब्राह्मणों को मिला, दलितों को मिला, पिछड़ों को मिला, मुसलमानों को मिला, हर जात के लोग है। ब्राह्मण मुख्यमंत्री आज तक किसने बनाए? कांग्रेस के अलावा किसी ने बना दिया क्या? है हिम्मत किसी पार्टी का? मायावती जी की हिम्मत है कि छोड़ दे और सतीश चंद्र मिश्रा को मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित करें? कर सकती है क्या? ये ड्रामे से चल नहीं चलता है। कांग्रेस पार्टी ने छत्री को भी मुख्यमंत्री बनाया, बनिया को भी मुख्यमंत्री बनाया, ब्राह्मण को भी मुख्यमंत्री बनाया, हर जाति धर्म के लोगों को, यहां तक कि राम नरेश यादव
को सर आपके उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाया, पहला पिछड़ा मुख्यमंत्री को किसने बनाया था, कांग्रेस ने बनाने का काम किया था। तो कांग्रेस जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती है, सबको भागीदारी देने का काम करती है। ये हमारे साथ प्रदेश महासचिव सुशील पासी जी हैं, जिनका साफ कहना है कि कांग्रेस पार्टी जातिवाद में विश्वास नहीं करती है। कैमरा पर्सन सैलेन के साथ अमर प्रताप सिंह, SK इंडिया न्यूज, रायबरेली।